नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन डी एन अपॉन डी टी इजक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के इसमें के रिप्रेजेंट करता है ऑप्शन ए इज बायोटिक पोटेंशियल दिस इज इन करेक्ट ऑप्शन बीज कैरिंग कैपेसिटी यस दिस इज करेक्ट ऑप्शन बिकॉज के रिप्रेजेंट्स कैरिंग कैपेसिटी ऑप्शन सी इज इंट्रेंसिंग रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज दिस इज इन करेक्ट ऑप्शन डी इज पॉपुलेशन डेंसिटी दिस इज ऑल्सो इन करेंट सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैरिंग कैपेसिटी दैट बी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन एन टी इज टू एन नॉट ई टू द पावर आर टी आर रिप्रेजेंट्स आर रिप्रेजेंट करता है ऑप्शन नंबर इज इंटेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इसमें बी ऑप्शन दिया गया कैरिंग कैपेसिटी दिस इज इनकरेक्ट। बिकॉज कैरिंग कैपेसिटी रिप्रेजेंटेड बाय के सी ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है बी ऑफ नेचुरल लॉगरेथिज दिस इज द ऑल्सो इन सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन डी एन अपॉन डी टी इजक्वल टू आर एन जियोमेट्रिक ग्रोथ रिजल्टिंग इना इसमें कर्व पूछा गया है इन जियोमेट्रिक ग्रोथ रिसोर्सिस अनलिमिटेड होते हैं और इसका कर्व जाता है जे सेव सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज जी सेव्ड इसमें और भी ऑप्शन दिए गए सी एस सेव्ड दिस इज इनकरेक्ट सिग्मॉइड कर्व जब जाता है जब ग्रोथ लॉजिस्टिक होती है तो उसमें सिग्माइड कर्व बनता है दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर डी ली ने दिस इज ऑल्सो इन करेक्ट ऑप्शन सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर ए जी शिफ्ट कवर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अबिटेड विद लिमिटेड रिसोर्स जब रिसोर्स लिमिटेड हो तो कर्ब कैसा बनेगा पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेड ऑप्शन इोज इनिशियली डी नीशियली डिक्लेरेशन फॉलोड बाई फेज ऑफ एक्सीन दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर बी इज रिप्रेजेंट बाई अ कर यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज इन लिमिटेड जब रिसोर्स होते हैं तो ग्रोथ जो होती है हो, वो लॉजिस्टिक होती है और सिगमोइड कर्व बनता है ऑप्शन नंबर सी भी देखते हैं कैन रीच ए पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ शॉर्ट टर्न दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर डी एग्जिबिट ज्योमेट्रिक जियोमेट्रिक फैशन ऑफ ग्रोथ दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज जो ग्रोथ होती है वो लॉजिस्टिक होती है सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग अ गिवन गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडिड टू द इनिशियल डेंसिटी इज बर्थ्स नंबर ऑफ बर्थ्स ऑप्शन इज नैटिलिटीलिटी इज द बर्थ रेट वैसे तो आंसर इस इस क्वेश्चन का आंसर नेटिलिटी है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर और भी देखते हैं ऑप्शन नंबर बी है मॉर्टिलिटी मॉर्टिलिटी होती है डेथ रेट सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है स्पेश इंटरेक्शन दिस इज आल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर डी है सेक्स रेशियो ये भी गलत ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए सो so आंसर